नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद अताउल्लाह इब्राहिम है। कहाँ से हैं आप? जी मैं गया बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं आप जी, बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं? जी सर, अभी हमारी एग्जाम कंप्लीट हुई है, अभी प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल वगैरह कैसे रहे, आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में, आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपके? प्रैक्टिकल वगैरह बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग को हॉस्पिटल टूर मिला, इंजेक्शन लगाने को मिला, ब्लड प्रेशर चेक करने को मिला, फिर फर्स्ट एड वगैरह सिखाया गया है आपको? जी, बहुत अच्छी बात। सीपीआर के बारे में भी होता है, सीपीआर करवाया भी हमने। अच्छा अच्छा, ये तो हॉस्पिटल में आपको सीखने को मिल रहा है, ये चीज अच्छी है। जी सर बिल्कुल। और आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? पढ़ाई आपकी इंग्लिश में है? जी सर, इंग्लिश में है और बहुत अच्छी से होती है इंग्लिश में, और 6 साल इंग्लिश में हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, 6 साल। हाँ जी हाँ जी, 6 साल इंग्लिश में ही है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था अभी, हाँ हाँ, हिसाब से पूरा 6 साल इंग्लिश में है, और बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छा। टीचर्स भी अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, इंडियंस के लिए इनका बिहेवियर कैसा है अगर हम बात करें तो? इंडियंस के लिए बिहेवियर अच्छा है, जैसे कि इंडिया और रशिया का भी मतलब फ्रेंडशिप है, वैसे ही यहाँ पे भी है। कंफर्टेबल है बच्चों को? बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आपने एडमिशन मोक्स के थ्रू लिया है, आपका एडमिशन कैसे रहा, आपने एडमिशन किस तरीके से लिया है इंडिया में? जी सर, मुझे तो पहले तो इंटरनेट से पता चला था मोक्स के बारे में, तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने मोक्स ने सब कुछ हमारा करके दिया, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ तक लाने का, यहाँ खिलाने का, सब कुछ। गाइडेंस में मोक्स की तरफ से किस तरीके की हेल्प रही आपके, डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आई, या फिर आपको पासपोर्ट में या फिर वीजा में, किस तरीके से उनकी गाइडेंस आपको हेल्पफुल रही? जी सर, उनकी हमेशा गाइडेंस रही, वो हम लोगों को कुछ भी नहीं लगा कि हम यहाँ दूसरे कंट्री में है, क्योंकि यहाँ पे है डॉक्टर अभय सर, वो हमारी पूरी हेल्प किए, अच्छे से वीजा पासपोर्ट वगैरह जो भी था, यहाँ मेडिकल चेकअप यहाँ भी होता है, उसके लिए भी सब कुछ अभय सर ने अच्छे से किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभय सर यहाँ के डायरेक्टर है, बिल्कुल वो आपका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मोक्स का ऑफिस भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब यहाँ पे इंडिया से मॉस्को आए हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में, यूनिवर्सिटी तक आने में, डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सर हमारे लिए इंतजार कर रहे थे मॉस्को एयरपोर्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर वहाँ पे हम लोग आपके लिए ही है सब कुछ। आप यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका खाने की फैसिलिटीज किस तरह की, मेस अवेलेबल है आपको, और रहने के लिए किस तरह का इंतजाम है आपके लिए? हॉस्टल है, हॉस्टल में मेस अवेलेबल है, मेस में दोनों तरह का खाना अवेलेबल, वेज वालों के लिए वेज भी है, नॉन वेज भी है। खाने की क्वालिटी कैसी है इस बार? क्वालिटी प्योर इंडियन है। अच्छा अच्छा, पसंद है आपको? लग नहीं रहा है कि घर से बाहर है, खाना नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ? जैसे इंडिया में रहते हैं ना हॉस्टल्स में। अच्छा, बिल्कुल वैसी फीलिंग है, घर वाली फीलिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे जो अपना मोक्स का ऑफिस है, उससे आपको किस तरीके की गाइडेंस मिल रही है, आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? जी, मोक्स की जो ऑफिस है, उनमें सर ने बुक्स वगैरह भी रखा है, तो अगर हमारे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो हम ऑफिस में जा करके, वो 24 आवर ओपन होता है। अच्छा, तो हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई में आपको हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।